સપ્તાહનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના ભાગરૂપે ઉદઘાટન રાજસ્થાનના સ્કાઉટ ગાઈડ, વન વિભાગ અને નગરપાલિકાના સંયુક્ત રીતે શક્તિપીઠ અર્બુદા દેવી મંદિર સંકુલને પોલિથીનથી મુક્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 300 લોકો જોડાયા હતા, જેમાં રાજ્યના સ્કાઉટ ગાઈડના બાળકોએ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો. આ અવસરે સ્કાઉટ ગાઈડ તાલીમ કેમ્પના ઇન્ચાર્જ, માઉન્ટ આબુના ઉદ્યાન સંરક્ષક જીતેન્દ્ર ભાટી અને અન્ય અધિકારીઓએ માઉન્ટ આબુને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવા અંગે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. पेड़ों की कटाई से भी काफी नुकसान हो रहा है. इसी तरह ये पॉलीथीन जो थैली है, ये लोग बाग यूज करते हैं, जंगलों में फेंक देते हैं, फिर इससे जंगली जानवर खाते हैं, उनके पेट में चली जाती है, तो उनको भी नुकसान होता है, कोई बीमारी लग सकती है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है. तो हमारा यही संदेश है कि पॉलीथीन थैली कम से कम यूज करें, या करें ही नहीं तो और अच्छा है, करें तो कम करें, या उसको रिसाइकिल करके यूज लें. आज राष्ट्रपति अवार्ड ट्रेनिंग कैंप के जो स्काउट्स हैं, 300-350 करीब स्काउट्स ने पर्यावरण बचाओ के तहत अभियान के तहत आज पॉलीथीन को इकट्ठा किया. अर्बुदा देवी ऊपर से लगाकर नीचे तक जो भी पॉलीथीन था उनको इकट्ठा कर संदेश दिया कि पर्यावरण को अपन को स्वच्छ रखना है और इसको बचाना है. जब तक पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे अपन दुखी होंगे, और एक संदेश सभी को दिया है. थैंक यू. લોકસભા ચૂંટણી પરિણામને લઈને રાજકોટમાં